हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सबको नमस्ते, जय श्री कृष्णा। तो चलिए, बहुत दिन बाद एक हेयर केयर वीडियो लेके आए। जैसे आज है फ्राइडे, फ्राइडे को हम हमेशा हेयर वॉश करते हैं, तो उससे पहले हम जो हेयर ऑयल या हेयर पैक लगाएंगे जो एलोवेरा से, तो उसको रेडी करने के लिए चलिए। मेरा ही घर में जो एलोवेरा है, आप लोग अगर गार्डन वाला एलोवेरा है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं है तो मार्केट वाला ले लीजिएगा। तो चलिए, पूरा प्रोसीड्यूर देखते रहिए। वीडियो बहुत छोटा करेंगे कि आप लोग बहुत ईजिली समझ जाए और बहुत ईजिली मतलब अप्लाई भी कर पाए। तो चलिए, अभी से वीडियो शुरू कर देते हैं और आप प्रोसेस भी शुरू कर देते हैं। आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट से इसमें कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद मेरे को इंस्पिरेशन मिलता है। तो चलिए चलिए, यहाँ पे मेरा घर में एक प्लांट था एलोवेरा का, जो कि हम रिसेंटली खरीद के लाया, तो उसी से हम दो पत्ता कलेक्ट कर लेंगे। आप लोग का जो हेयर है उसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। तो मेरे लिए ये मोटा मोटा दो एलोवेरा का पत्ता जो है ये बहुत है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे। तो इसको हम यूज़ करने से पहले देखिए पूरा प्रोसेस, कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ गलती हो जाएगा तो आपको इसका हम नुकसान भी भरना पड़ेगा। क्योंकि इसमें ये जो पीला पीला देख रहे हैं, इसमें इचिंग होता है, तो इसको हम ऐसे निकाल लेंगे ऊपर से। इसको हम आधा मतलब 2-3 घंटा के लिए पानी में छोड़ देंगे। पानी दिखेगा पूरा पीला हो जाएगा, इसको अच्छे से धोएंगे, उसके बाद पानी में इसको छोड़ देंगे। पानी इतना ज़्यादा पीला हो जाएगा ना, दिखेगा। तो इसको हम 2-3 घंटे के लिए पानी में ऐसे छोड़ दिया था, फिर पानी पूरा पीला हो गया था, देखिए। उसके बाद हम इसको अच्छे से काटा। तो आप लोग भी यही प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, नहीं तो आप लोग का बालों में इचिंग होगा, फिर बाद में मेरे को मत बोलिएगा। तो हम पहले इसलिए प्रोसेस पूरा क्लियर कर दिया, उसके बाद उसका साइड का जो पोर्शन है काटा काटा वो काट लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से इसका जेल निकाल लीजिए, कट्टा चम्मच का सहारा से बहुत अच्छे से निकल जाएगा, जेल बहुत अच्छे से निकल जाता है। उसके बाद आपको बहुत अच्छे से इसको ग्राइंड करना है। यहाँ पे जो सबूज हाड़ा वाला पोर्शन देख रहे हो, उसको भी निकाल देना है। ये कहीं से भी अगर इचिंग उचिंग होगा तो इस डर से निकाल देना है। हम पूरा अच्छे से निकाल दिए इसको। उसके बाद इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद इसमें हम थोड़ा बहुत कुछ मिला लेंगे, मतलब इसमें हम, तो यहाँ पे ये रिजल्ट मेरा निकला। इसमें हम थोड़ा सा चीनी, शुगर 1 चम्मच जैसा दिए हैं। इसमें अगर ब्लेंड वाला शुगर है तो अच्छा है, पाउडर वाला। और 1 नींबू दिए, क्योंकि मेरे स्कैल्प में जिनका स्कैल्प में गंदा होता है, स्कैल्प भी बहुत क्लियर हो जाएगा। इसके साथ आप शैम्पू घोल के भी लगा सकते हैं हेयर वॉश का टाइम, लेकिन जैसे हम जेल बेसिस कर रहे हैं ना, इसीलिए हमको इसका जेल निकल के पहले इसके साथ नींबू और चीनी मिला के इसको बहुत अच्छे से बालों में लगा लेंगे, उससे पहले अच्छे से कोम कर लेंगे। चलिए, मेरा हेयर मास्क पूरा पूरी रेडी हो गया, बन गया, अभी अप्लाई करने का टाइम। उससे पहले सभी को अनुरोध है मेरा तरफ से, सभी को रिक्वेस्ट है मेरा तरफ से कि आप लोग प्लीज़ बालों को री ऑयलिंग कर लीजिएगा। अगर नहीं हो रहा तो आप ये मास्क में भी थोड़ा 2 बूंद कोकोनट ऑयल लगा मतलब मिला सकते। हम तो बोलेंगे अगर उससे पहले थोड़ा डबल बॉयलिंग ऑयल कर लीजिएगा। मेरा इस वीडियो में इससे पहले जो वीडियो, उसको थोड़ा देख के वो वाला ऑयल भी कर लगा सकते। तो चलिए, हम अभी ऑयल को मास्क को अच्छा से लगा के दिखाते हैं, उसके बाद आधा घंटा रख के उसको हेयर वॉश करना है। इजी प्रोसेस है ये, तो आप लोग सबको पता है, इतना इजी हम दिखाते हैं, ऊपर से इतना छोटा छोटा हम वीडियो बनाते हैं कि आप लोग को बहुत हेल्पफुल होए। तो आप लोग मेरा वीडियो देखिए, हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए, कॉमेंट बहुत ज़रूरी होता है वीडियो में। तो यहाँ पे हम बहुत अच्छे से बालों को मतलब पार्टीशन कर ले रहा, इसमें बहुत फ़ायदा होता है। तो बालों को डिवाइड करके आप लोग बहुत अच्छे से इसको अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई बहुत इजीली हो जाता है और इतना ठंडा फील होगा माथा में, पूरा सुकून सा फील होगा, बहुत एक अलग ही सुकून सा फील होगा। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाला जेल लगा के। हम फर्स्ट टाइम नहीं लगा रहा, हम बहुत बार लगा चुका है। जो फर्स्ट टाइम लगाएगा उसको तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इस जेल माथा में जितना देर लगाइएगा माथा में पूरा एकदम बहुत ठंडा ऐसा फील देगा। तो हम इसको बहुत देर तक लगा के रख देंगे, मतलब आधा घंटा जैसे होगा तो मतलब आप लोग के पास, तो आप लोग आधा घंटा 1 घंटा लगा सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा रिजल्ट देता है, जितना अच्छा कैरी करेंगे। तो उसके बाद नॉर्मल शैम्पू से धो लीजिएगा, उसको भी शैम्पू को भी थोड़ा सा पानी मिला लीजिएगा। ये प्रोसेस हम बता ही देंगे आप लोग को। छोड़ दिया था, उसके बाद हम देखिए शैम्पू से, बस नॉर्मल शैम्पू से धो दिया। आपको भी नॉर्मल शैम्पू से धोना है, लेकिन शैम्पू को डायरेक्ट नहीं यूज़ करना है। शैम्पू को कोई मग में या कोई मतलब कटोरा में घोल लेना है पानी के साथ। तो ऊपर से देखिए, हम कोई कंडीशनर नहीं लगाया। मेरा बाल देखिए कितना सिल्क हुआ है, कितना स्मूथ हुआ है।
के बाद पूरा प्रोसेस करने के बाद हम थोड़ा सूख गया था, बाल भी पूरा सूख गया था। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने ना भूले। जय श्री कृष्ण राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो हेयर केयर का लेके। बाय बाय।